जोधपुर की इस बेटी ने राजस्थान का नाम रोशन किया है और राजस्थान की इस बेटी ने देश का नाम रोशन किया है। जी हाँ, राजस्थान की इस बेटी और युवा एथलीट पूजा विश्नोई ने एक खास उपलब्धि अपने नाम की है। पूजा ने ऑल इंडिया IPSC टूर्नामेंट अंडर 19 के 3000 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता है और इस जीत के साथ राजस्थान की इस नन्ही एथलीट ने अपने कोच और परिवार के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन किया है। इंडिया लेवल पर 4 गोल्ड मेडल लाने वाली पूजा विश्नोई आज हमारे साथ में, सिक्स पैक के नाम से वो जानी जाती है, जोधपुर की रहने वाली पूजा विश्नोई। 4 मेडल जीतने के बाद में आज राजस्थान तक से खास बातचीत करेगी। पहले तो आपको राजस्थान तक की ओर से बधाई। थैंक यू सो मच। आपने 4 जो मेडल जीते हैं, कितनी रनिंग की आपने, क्या क्या पार्टिसिपेट था? मैंने 4 गोल्ड मेडल जीते थे जिसमें मैंने 800 मीटर में गोल्ड जीता था, 1500 में भी गोल्ड जीता और 3 किलोमीटर में भी गोल्ड जीता और 4 किलोमीटर में भी जीता और मैंने 3 किलोमीटर का रिकॉर्ड भी तोड़ा और बेस्ट एथलीट भी बनी थी। आगे की क्या तैयारी है? आगे की मेरी बस यही है कि इंडिया के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतूं। ओलंपिक के लिए आप तैयारी कर रही हैं अभी से? हाँ। अच्छा, ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और आपको कोचिंग कौन दे रहा है? ये मेरे मामू है, उनका नाम सरवन भूरिया है, ये मेरे कोच भी है। तो ये पहले साई में रहते थे तो इनका भी सपना था कि इंडिया के लिए मेडल जीते, बट इनकी MST प्रॉब्लम होने के कारण उन्होंने गेम्स छोड़ दिया। फिर एक दिन हमारे घर के आसपास कुछ बच्चे दौड़ रहे थे तो अब मेरे मामू ने मेरे को पूछा कि तू इनके साथ रेस लगाएगी, तब मैं 3 साल की थी तो मैंने बोला हाँ मैं लगाऊंगी। वो बच्चे मेरे से थोड़े बड़े थे तो फिर मैं वहाँ पर हार गई थी, बट मेरा रनिंग का एक्शन था वो इनको अच्छा लगा। फिर इन्होंने उन लड़कों को बोला कि 1 महीने बाद इनके साथ रेस लगाना। फिर 1 महीने तक मेरे कोच ने मेरे को ट्रेनिंग दी, फिर मैंने उन्हीं बच्चों को हरा दिया, फिर मेरे को रेगुलर ट्रेनिंग देते हैं। आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब पूजा विश्नोई ने इतनी बड़ी जीत हासिल की हो। इससे पहले पूजा 800 और 1500 मीटर की दौड़ में भी जीत कर अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं। यही नहीं, उन्होंने 4 किलोमीटर क्रॉस कंट्री में भी अपना परचम लहराया है और राजस्थान के साथ देश का भी दुनिया भर में नाम किया है। तो वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी 13 साल की इस नन्ही एथलीट के कायल हैं और धोनी ने पूजा के साथ एक एड की शूटिंग भी की है। साथ ही मशहूर क्रिकेटर विराट कोहली भी पूजा विश्नोई के फैन बन चुके हैं। आप महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली से भी आप मिल चुके हैं? हाँ, महेंद्र सिंह धोनी सर के साथ मेरा एड शूट था और विराट कोहली सर मेरे को वो सपोर्ट भी करते हैं तो फिर उनके साथ इंटरव्यू था तब और फंक्शन था इंडियन स्पोर्ट्स ओनर का तभी। सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग आपको बधाई दे रहे हैं लाखों की संख्या में, उनको क्या कहना चाहोगे हमारे मैं सभी को मैं यही कहना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच, आप लोग जो भी मेरे को बधाइयाँ दे रहे हो उसके लिए मेरी तरफ से दिल से थैंक यू सो मच। उनको ये भी कहोगे कि आने वाला जो ओलंपिक है उसमें इंडिया के लिए आप पार्टिसिपेट करेगी? और हाँ, मैं इंडिया के लिए यूथ ओलंपिक में इंडिया के लिए पार्टिसिपेट करूँगी और अपना इंडिया के लिए मेडल जीतूँ। हमारे साथ में पूजा के कोच सरवन बूढ़िया भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सरवन जी, आपने पूजा को कैसे कोचिंग दी जिससे आज वो 4 मेडल जीत कर आई गोल्ड? एक्चुअली भारत में ऐसा होता है कि ओलंपिक मेडल एक एज ग्रुप में, जैसे कि बचपन में प्रैक्टिस करवाना बहुत, सब लोग ये बोलते हैं उनकी हाइट रुक जाएगी और बहुत सारी ऐसी अफवाहें हैं। तो एक्चुअली मैं जब शाइन में था तो मैं चाइना के कुछ न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उनकी मेडल देख रहा था कि इतने मेडल कैसे आ जाते हैं। तो उनका ये था कि जीरो लेवल पे वो काम, कोई भी काम स्टार्ट करते हो आप जीरो लेवल से स्टार्ट कीजिए। हिंदुस्तान में हमारा ये होता है कि 15 साल के बाद उस बच्चे को स्पोर्ट्स में लाया जाता है, फिर उसको हार्ड ट्रेनिंग किया जाता है, फिर वो एक इंजरी के रूप में शिकार हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि पूजा को जब से मैंने स्टार्ट करवाया, चाइना की थ्योरीज के आधार पर स्टार्ट करवाया, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर बच्चों को स्टार्ट करवाना बहुत मुश्किल काम था। तो जैसे ही पूजा को मैंने स्टार्ट करवाया, आज सब लोगों के पास रिजल्ट है, हाइट भी बढ़ी है उसकी, उसके हाइट के कंटिन्यू 4 साल के रिजल्ट मेरे पास हैं, वेट का रिजल्ट है, मतलब एवरीथिंग। अगर आप जो चीज़ सोचा है, मैंने चाइना की जो चीज़ पढ़ी और आज मैंने जब ये पूजा के ऊपर जो सारा अप्लाई किया और वही पूजा का आर्टिकल चाइना के न्यूज़पेपर में मैंने देखा तो मुझे वो अच्छा लगा। तो जैसा कि सरवन जी और पूजा ने बताया,
पूजा 11 साल की है और 11 साल की उम्र में वो हाल ही में 4 गोल्ड मेडल जीत कर आई और अभी आगे ओलंपिक की तैयारी कर रही है। नरेश बिश्नोई, राजस्थान तक चालू।